इसराइल ने भारत को एक बेहद खुफिया हथियार देने का दावा किया है और जब ये हथियार भारत के पास आ जाएगी उसके बाद खेल बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है उस एयर स्ट्राइक में कौन से बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया था? जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हैं। इसका जवाब हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप नीचे कमेंट में जय हिंद लिखें और आप अपने दिन को शुभ बना ले। दोस्तों, जब वायुसेना एयर स्ट्राइक करने दुश्मन की इलाकों में जाती है तो वहां निशाने को सटीकता से लगानी होती है और इसके लिए वेरी हाई प्रेसिजन वाले बम की जरूरत होती है जो अपने टारगेट को भेदने में अचूक हो, जो आसपास के मासूमों को तबाह ना करे बल्कि अपने निशाने के चित्र उड़ा दे। और ठीक यही काम इसराइल गाजा पट्टी में वर्षों से करता रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल की वायुसेना ने अभी हाल ही में गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास के आतंकियों के चित्र उड़ा दिए थे, लेकिन आम नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। और इसराइल ये सभी हमले इतने सटीकता से सिर्फ एक बम के कारण कर पाया था और आज हम उसी बम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इसराइल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट ने भारत को गिफ्ट के तौर पर ऑफर किया है। जी हाँ दोस्तों, इस बम का नाम है स्पाइस 250। इस बम को बालाकोट में तबाही मचाने वाले खतरनाक बम का छोटा भाई भी कहा जाता है। और जब से इसराइल ने इस खुफिया बम को भारत के लिए ऑफर किया है उसके बाद से ही भारत के दुश्मनों में खलबली मच चुकी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुके स्पाइस 2000 बम, जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 200 आतंकियों को मारे थे, और अब इसी बम के छोटे वर्जन स्पाइस 250 को इसराइल ने भारत को ऑफर किया है। इस बम को इसराइल की प्रसिद्ध हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इसराइल की कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमान से अलग है, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांस की कंपनी दसोल्ट बनाती है। ये छोटा बम बेहद खतरनाक है, नेक्स्ट जेनरेशन का हवा से जमीन पर मार करने वाला प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है। इसका मतलब अगर लंबी दूरी से स्पाइस 250 बम को दागा जाए तब भी ये अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेद सकता है। मतलब कि ये बम जितना ही छोटा है इसका काम उतना ही बड़ा है। अगर भारतीय वायुसेना को कल बीजिंग के अंदर घुसकर जिनपिंग के घर को उड़ाना हो तो यह बम बेहद कामयाब साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ मैंने एक हाइपोथेटिकल बात की है और ऐसा होने का चांस बेहद कम है, क्योंकि भारत किसी पर भी बेवजह हमला नहीं करता। इस छोटे लेकिन खतरनाक बम को इजरायली एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। इस बम का इस्तेमाल अभी इजरायली एयरफोर्स कर रही है। कई रिपोर्ट ऐसे भी है कि गाजा पट्टी में हाल ही में इजरायली वायुसेना के हवाई हमलों में इसी बम का इस्तेमाल किया गया था। इस बम ने बेहद सटीकता से घनी आबादी में मौजूद हमास के कई ठिकानों को बर्बाद किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस बम को राफेल लड़ाकू विमान में फिट कर दिया जाएगा, जिसके बाद राफेल अपने छोटे से छोटे निशानों को भी बेहद सटीकता के साथ मार गिराएगा। और इसीलिए ये दो अलग अलग राफेल का मिलन होने वाला है। एक बम है जिसे राफेल कंपनी ने बनाया है, तो दूसरी तरफ राफेल एक लड़ाकू विमान है जो भारत के दोस्त फ्रांस ने दिया है। और अब इन दोनों की दोस्ती भारत के दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनने वाली है। बेंगलुरु में राफेल ने किया था प्रदर्शित। इसी साल फरवरी में बेंगलुरु की येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एयरो इंडिया शो में इजरायली कंपनी ने स्पाइस 250 एक्सटेंडेड रेंज बम को प्रदर्शित किया था। इस स्पाइस बम फैमिली का सबसे नया मेंबर है। दो साल पहले राफेल ने स्पाइस 250 मिसाइलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑटोमेटिक लक्ष्य की पहचान करने वाली ATR टेक्नोलॉजी से लैस किया था। चलते हुए भी लक्ष्य पर साध सकता है निशाना। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का दावा है कि यह बम काफी सटीकता से स्थिर और गतिमान लक्ष्यों को एक साथ भेद सकता है। एक बार उड़ान के दौरान यह कई लक्ष्यों को आसानी से ट्रैक कर उसमें से एक को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से भेद सकता है। यही कारण है कि इस बम को अपनी श्रेणी का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है। यह आधुनिक बम GPS की गैर मौजूदगी वाले क्षेत्र में भी काम कर सकती है। इतना ही नहीं, इसे दिन रात या खराब मौसम में भी फायर किया जा सकता है। जमीन ही नहीं समुद्र में भी लक्ष्य होगा बर्बाद। यह बम केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अपने टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। छोटे और हल्के वजन वाले स्पाइस 250 बम को तेजस जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। इस बम को लड़ाकू विमान के समन्वय होल्ड पॉइंट के अलावा स्मार्ट क्वाड रैक पर भी लगाया जा सकता है। प्रत्येक SQR 4 स्पाइस 250 हथियार तक ले जा सकता है। 150 किमी तक दुश्मन धुआ
स्पाइस 250 बम 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने दुश्मन को आसानी से उड़ा सकता है। इस बम में टर्बोजेंट इंजन लगा हुआ है जो JP-8Y10 फ्यूल सिस्टम से ताकत प्राप्त करता है। 113 किलोमीटर के इस बम में 75 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर कल की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात की है। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने जम्मू पहुंचे हैं। मामले की जांच खुफिया एजेंसियों को सौंपी गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में दो संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इस खबर की जानकारी मोदी जी को मिली तो उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रक्षा मंत्री समेत वायुसेना प्रमुख को खुली छूट दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी ने कहा है कि जिस प्रकार इसराइल के अंदर एक छोटे धमाके के बाद भी इसराइल हमास के आतंकियों को भयंकर सबक सिखाता है, अब वही काम भारत पाकिस्तान के साथ करने जा रही है। एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए बताया कि स्टेशन पर दो हल्के धमाके हुए हैं। एक धमाके से छत को हल्का नुकसान पहुंचा और दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ है। इसमें कोई जवान हताहत नहीं हुआ है और न ही कोई साजो सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया है और क्योंकि ये एक हवाई हमला माना जा रहा है, इसी कारण भारत भी एयर स्ट्राइक करने की योजना शुरू कर चुका है और अब की बार भारत के पास राफेल है जो पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकता है जितने की आज तक उसने भारत के साथ 3 बार युद्ध करने के बाद भी नहीं देखा होगा। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना अड्डे पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जम्मू हवाई अड्डा एक असन्न हवाई अड्डा है। श्रीनगर के वरवरशाह इलाके में शनिवार शाम को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए CRPF के बंकर पर बम फेंका था। इस मामले में आतंकी अपना निशाना चूक गए और बम सड़क पर जाकर फट गया। इस हमले में रास्ते में चल रहे 3 राहगीर घायल हो गए थे जिसमें से एक नागरिक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मदस्तिर अहमद के तौर पर हुई है जो कि हाजीगुंड बदगम का रहने वाला है। अब क्योंकि एक भारतीय ने अपना जान गंवा दी है, इसी कारण अब पाकिस्तान से विस्फोटक मुकाबला होने वाला है। कराची में फटेगा एटम बम जिसका रिमोट मोदी के हाथ में आ चुका है। अगर ऐसी हरकतें करता रहा पाकिस्तान तो जल्द ही उसे पहुंचा देंगे कब्रिस्तान। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को मीडिया ने बताया कि मोदी जी ने कश्मीर पर बैठक की है और अब कश्मीर मुद्दा सुलझने वाला, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है क्योंकि मीडिया के नजरें कश्मीर पर है, लेकिन मोदी का निशाना सीधे POK और CoK यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है। इसी कारण चीन और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और ये दोनों मिलकर भारत पर ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ी भारत की है और तबाही पूरी दुनिया देखेगी। भारत ने पहले से ही अपने सभी आत्महत्या हथियारों को सीमा पर पहुंचा दिया है। अगर युद्ध की बिगुल बाजी तो सबसे पहले कराची और इस्लामाबाद पर Agni-5 दाग देगा भारत, जो कि एक परमाणु मिसाइल है। तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है। लद्दाख की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने ये बात कही। सिंह की यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है।